भले ही केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण और सुरक्षित प्रसव के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जिला अस्पताल सोनभद्र का नजारा अलग ही है। यहां आज प्रसव के लिए आई महिला को बेड तक नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं बल्कि सुबह से प्रसव के लिए आई महिला का शाम तक कोई इलाज ही नहीं हुआ। इसके साथ ही गर्भवती महिला के परिजन का आरोप है कि उससे 5000 बतौर घूस मांगा गया था, जिसमें उसने 3000 स्टाफ नर्स को दिए। इसके बाद भी उसका इलाज शुरू नहीं हो सका। वही महिला ने बताया कि पेट में बच्चे की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी पूरे दिन कोई भी डॉक्टर उसको देखने नहीं आया। इसको देखते हुए जब उसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की गई तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने अस्पताल में आई गर्भवती महिलाओं को बेड दिलाकर इलाज शुरू करवाया। सोनभद्र जिला अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिलाओं को स्टाफ और चिकित्सकों द्वारा बेड तक उपलब्ध नहीं करवाया गया था। अधिकांश महिलाएं फर्श पर ही बैठी दिखी मिली, जबकि प्रसव के लिए आई महिला ने बताया कि उसके साथ आई गर्भवती महिला के पेट में बच्चे की मौत हो गई है और वह सुबह से ही इलाज के लिए आई है, लेकिन अभी तक उसका इलाज शुरू नहीं हो पाया। इसके साथ ही साथ उसने 5000 की मांग स्टाफ नर्स के द्वारा की गई। महिला द्वारा 3000 स्टाफ नर्स को दिए जाने के बाद भी उसका इलाज शुरू नहीं हो पाया। इसको देखते हुए इसकी शिकायत शाम को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की गई। हालांकि शिकायत के बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर फर्श पर बैठी गर्भवती महिलाओं को पहले तो बेड दिलवाया, जिसके बाद इन महिलाओं का इलाज शुरू करवाया गया। साथ ही पैसा मांगे जाने के आरोप पर उन्होंने कहा कि नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेबर रूम की जगह गैलरी में डिलीवरी करवाई जा रही थी। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि गर्भवती महिला को वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा गया था। रुकमणी, ये बताइए, ये किस तरह का मरीज आप लेके आए हैं अस्पताल में? डिलीवरी है, पेट में बच्चा मर गया। अल्ट्रासाउंड कराए तो पेट में बच्चा मर गया है। क्या बोल रही हैं यहाँ? यहाँ सब बोल रहे हैं कि 5000 रुपए दो, तुम्हारा से वो जो मरीज है वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम 3000 रुपए दिए हैं इमरजेंसी में कि हमारा बच्चा सही हो जाए। इसके बाद 3000 रुपए ली, इसके बाद दवा डाली, शरीर में इंजेक्शन नहीं लगाई, बोली कि ठीक है चलिए कल सुबह तक बच्चा गिर जाएगा। इसके बाद अभी कुछ नहीं, कुछ हो रहा है, हम लोग सुबह से आए हैं। और भी मरीज कोई आया है आपके साथ? हाँ नहीं, हमारे संग वो आई है बस, वो कल है कहीं हम आए थे यहाँ देख रहे हैं तो बेड यहीं पे ये लेट कर रो रही है। तो बेड और नहीं दिया गया है किसी नहीं, को? कुछ नहीं दिया जा रहा है ना हम लोगों के लिए। कोई डॉक्टर आए थे देखने के लिए? कोई डॉक्टर नहीं आए थे, सिर्फ यहाँ पे नर्स ही थी। कल नर्स इलाज कर रही हैं? हाँ यही सब कर रही हैं। पैसा भी हम लोग 3000 रुपए लेकर के बोल रहे हैं कि किसी को मत बताना। हम लोग बोले ठीक है, अच्छा हम लोग का मरीज बच जाए, फिर भी वो उसके पैसा देने के बावजूद भी नहीं वो कर रही है। ठीक सर, अभी यहाँ एक महिला आई थी जिनके पेट में बच्चा मर गया है, काफी समय से यहाँ बैठी हुई है, क्या है मामला? अभी हम भी आए हैं, सुनने पर जानकारी हुई तो हमारे बच्चा आयुडी है, मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डेथ, वो लगभग बच्चा पहले से बच्चे के पेट में, उसके महिला के पेट में मरा हुआ है। तो उस महिला को भर्ती किया गया, 10 बजे से ही भर्ती किया गया हुआ है और वॉच वेट एंड वॉच में है वो, और वॉच खुल जाएगा तो अपने डिलीवरी हो जाएगी, उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई इशू नहीं है, हमें देख लिया सब कुछ लिया उसको। यहाँ कई महिलाएं आई हुई हैं डिलीवरी के लिए। हाँ सर, महिलाएं मेरे सामने दिख रही हैं। बेड की कमी दिख रही है इन लोगों को, देखते हैं अगर बेड हुआ तो लिटवाते हैं, दूसरा करवाते हैं हम, इसीलिए हम आए हैं। सर देखने में आया कि ये जो लेबर रूम है इसमें गैलरी जो है उसमें भी डिलीवरी कराई जा रही थी? नहीं, दो बेड है लेबर रूम, दो लेबर टेबल है उसमें ऑलरेडी इंगेज है, तो एक डिलीवरी एक्चुअली हो गई इसमें, तो डिलीवरी तो कहीं हो सकती है, नॉर्मल प्रोसेस है। आप कभी सुनते होंगे कि ट्रेन में हो गई, बस में हो गई, रास्ते में हो गई, तो डिलीवरी एक्चुअली डिलीवरी जगह नहीं है और हो गई तो उसको मैनेज कर दिया गया, उसको कर दिया गया। कुछ शिकायत आ रही है पैसा लेने की, यहाँ जो मरीज आई हुई है उनका कहना है कि उनसे पैसा लिया गया, 3000 रुपए ले लिया गया है, 5000 रुपए की डिमांड की जा रही थी। इसमें पूछताछ की है, हमें पता करवा दें, अगर कोई ऐसा किया है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ और उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसको कहीं और शिफ्ट कर देंगे। ऐसे लोगों को जरूरत नहीं यहाँ काम करने की, जो मरीज से पैसा लें और प्यार से बात न करें, उनकी हेल्प न करें, हम इसे सख्त खिलाफ हैं। थोड़ा तेज बोलिएगा, क्या नाम है? सुनीता। ये जिला अस्पताल में आप आई हैं, किस लिए आई हैं? पेट में दर्द है, बच्चा
तो कब से आई हैं? कल 10 बजे से आई हूँ। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर? और कह रहे हैं कल के संध्या को गए, शाम को नहीं हुआ, फिर कह रहे हैं कि हुआ, सुबह भी नहीं हुआ, अब कह रहे हैं कि 8 बजे शाम को। कोई डॉक्टर देखने आया था? डॉक्टर नहीं आया था, वही एम डी जो है। केवल नर्स ही देख रही हैं? तो आप लोग फर्श क्यों लेटी हैं? नहीं मिला है तो कहाँ लेटी हैं? बेड नहीं मिला आप लोगों को? ये कुछ बोली नहीं आप लोगों ने? शिकायत नहीं किया कि कहीं जगह दीजिए, बैठ दीजिए? अरे बोला था हमारे कपड़ा फट जाए, हमारे कपड़ा फट जाए, इतना मिला है तो सबको कहां हम पूजा करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।